दर्शकों, मैं हूं रिपोर्टर दुन्नू लोहम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस टाइम के नए न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लॉन्गजिंग के ब्लॉक कॉलोनी में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे जो पीछे हैं वो एक सड़क है, पर एक नदी सा बन चुके हैं, एक नाला ऐसा बन चुके हैं। जैसे कि आप देख के समझ गए होंगे, वहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है जो कि वो आ रहे हैं, वो आने में काफी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछला जो न्यूज था उसमें भी बोला कि जो ये सड़क है ये एक मेन रोड है जिससे डीसी ऑफिस और डीसी बंगला और स्कूल जो है और जितने भी यहाँ के ऑफिस है इधर में उसको कनेक्ट करते हैं ये रास्ता। और दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं, जो मार्केट का जगह है लॉन्गजिंग का, जो मेन मार्केट है उसका जगह को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से पानी फ्लड आ रहा है, किस तरह से पानी का जो बहाव है वो बिना ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण जो पानी है वो रास्ते पे आ गए हैं। और यहाँ का जो आम आदमी लोग है, जो पब्लिक है, वो जो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है जिससे ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण जो पानी जो है वो रास्ते में आने के कारण, वो वीडियो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ का जो कुछ रास्ते हैं जो पानी से भर के हैं, भर के वो रास्ते को मैं आप सभी को दिखाऊंगा। जैसे कि मैं प्लीज दिखाई गए ड्रेनेज सिस्टम तो प्रॉपर नहीं होने के कारण जो अंदर से जाना चाहिए था वो तो ऊपर से जा रहा है और दो रास्ते भी आ गए। जो रास्ता है वो तो पूरा एक नदी से बन चुके हैं और पानी जो आ रहा है ऊपर से। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण जो वो पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, मेन रोड ऊपर आ रहा है। दर्शकों, मैं आप सभी को और एक चीज दिखाना चाहूंगा, कैमरा में प्लीज इधर दिखाऊंगा। जो पानी जो है जो ऊपर से आते हैं जो संजा बस्ती से, वो जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं अच्छा से प्रॉपर से नहीं होने के कारण जो पानी जो यहीं से आकर मेन रोड पर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चलो ओ आपू या ड्रेनेज सिस्टम पता ही बोले नहीं तीन तो ले आए का आता की तो नहीं और चलो आप ले आगे मैं किन पर बात बोले मैं टेस्ट करूं हां देखो मैं हम जे दीपु ये तो कह जाऊंगा वो कोई ना ना तू रमजान पर कौन वन मार दे सही कोई मना तो ये अंकल का जो कहना है कि बहुत बार उसने कंप्लेन किया हुआ है कि ये ड्रेनेज सिस्टम जो प्रॉपर से नहीं होने के कारण जो पानी जो ओवरफ्लो होने के कारण उसका जो जमीन है उसको पानी जो बहाव जो उसको ले जाते रहते हैं और उसका घर का जो जगह है वो पीने वाला है, इसलिए वो खुद से कर रहे हैं जो काम जो है वो खुद से ड्रेनेज सिस्टम खुद से बना रहे हैं अभी। और उनका ये कहना है कि जो पानी जो है एक्चुअली यहाँ पे नहीं गिर के वो उधर पे कलवट की और इधर जो एक कलवट है उसको प्रॉपर से बनाने के लिए उसने कहा था, कंप्लेन किया हुआ था वो चीज को लेके, पर अभी तक किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं उस चीज को लेके। दर्शकों, इस वक्त मैं लॉन्गजिंग के मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे में पानी जो है पर नाला जैसा आ रहा है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, इस वक्त मैं एग्जैक्टली बोला जाए तो लॉन्गजिंग मार्केट नदी में हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो पानी का जो भाव है वो जो बहुत ही तेज से आ रहे हैं, ये किस लिए है बोलते लॉन्गजिंग मार्केट में जो है वो ड्रेनेज सिस्टम सही ढंग से नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। मैं फिर से यही पूछना चाहूंगा जो यहाँ का जो जिसने भी ये हाईवे जो रास्ते बनाए हैं इंजीनियर, उसको मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि आप ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी और कौन सा कॉलेज से पढ़ के आए हैं जिसमें जब रास्ते बनाते हैं तब ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाते हैं।
दर्शकों। दर्शकों, हमें आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो वीडियो जो बनाते हैं, जो पिक्चर करते हैं, वो जो हम लोग जो खुद अपना मन मर्जी से नहीं करते हैं, ये सब हम लोग पब्लिक का प्रेशर से आते हैं। हमें ऐसा किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव से, किसी पर्सनल इंसान से, ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं है। जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग जो आप लोग को दिखाते हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं, जो है वही दिखाते हैं हम। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जो यहाँ का हम लोग लखनऊ के जो पब्लिक है, सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग खाली वीडियो दे दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आप लोग सपोर्ट करेगा तभी तो हर एक चीज़ जो सही ढंग से आएगा, सही ढंग से बनेगा। तो मैं आप सभी को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इस दिन टुडे के साथ। तब तक